जब बात देसी हिप हॉप की आती है तो दिमाग में सबसे पहला नाम एमसी स्टैन का आता है। इसमें कोई शक नहीं कि एमसी स्टैन इंडिया के टॉप रैपर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। गाइस, एमसी स्टैन ने काफी रैपर्स के साथ काम किया है, जैसे रफ्तार, इक्का, सीधे मौत। काफी कम टाइम में एमसी स्टैन ने इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिप हॉप आर्टिस्ट बन चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 10 अननोन फैक्ट्स एमसी स्टैन के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 1, एमसी स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है और उनके फैंस इसी नाम से इंटरनेट पर उन्हें जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने रिवील किया है कि एमसी स्टैन का रियल नाम अल्ताफ शकील तड़ावी है। फैक्ट नंबर 2, एमसी स्टैन के फादर एक पुलिसमैन है। गाइस, रिपोर्ट के मुताबिक एमसी स्टैन का कनेक्शन स्ट्रीट गैंग के साथ रहा है और एमसी स्टैन पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन एमसी स्टैन के फादर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। गाइस, ये फैक्ट मैंने आपको मीडिया सोर्स के मुताबिक बताया है। फैक्ट नंबर 3, एमसी स्टैन के ब्रदर ने उन्हें हिप हॉप म्यूजिक में इंट्रोड्यूस किया है। जब एमसी स्टैन 6th क्लास में थे तभी रैपर्स होने का उन्हें शौक था। एमसी स्टैन के भाई ने 50 सेंट्स और एमिनियम की म्यूजिक सुनाई थी जो उन्हें काफ़ी पसंद आई थी, और उसके बाद से वो इंग्लिश क्लास करने लगे ताकि इंग्लिश अच्छी समझ आए। 2 साल के बाद एमसी स्टैन ने अपना पहला सॉन्ग बल्टी पब्लिक रिलीज किया। फैक्ट नंबर 4, एमसी स्टैन ने अपने हेटर्स को फैन में कैसे तब्दील किया। एमसी स्टैन ने एक डिस ट्रैक बनाया था मुंबई रैपर्स एमिनेम और डिवाइन के लिए। फिर एमिवे बनता ही ने समझ में आया क्या सॉन्ग रिलीज किया, जिसमें एमिवे ने रफ्तार एंड डिवाइन और एमसी स्टैन को टारगेट किया था। जिसके बाद एमसी स्टैन ने एक सॉन्ग बनाया था कुजामत। ये सॉन्ग पब्लिक को ज्यादा पसंद नहीं आया और फिर 2019 में एमसी स्टैन ने अस्तगफुरुल्लाह सॉन्ग रिलीज किया और उसके बाद तड़ी पार, जिसके बाद काफी फैन फॉलोइंग बन गई। फैक्ट नंबर 5, गाइस, कुजामत सॉन्ग ये एमसी स्टैन ने जेल में लिखा था। जब एमी वे बनता ही ने डिस किया था एमी स्टैन को अपना सॉन्ग समझ में आया क्या से रिलेट करके, तब एमसी स्टैन जेल में थे और ये टाइम उनके लिए बहुत बुरा था। फैक्ट नंबर 6, एमसी स्टैन एंड एमी वे बनताई दोनों कजिन हैं। एमसी स्टैन ने डिस्क्लोज किया था कि एमी वे बनताई उनके कजिन हैं और दोनों के बीच अब कुछ भी सीरियस इशू नहीं है। फैक्ट नंबर 7, एमसी स्टैन ने रफ्तार का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। रफ्तार इंडिया के मोस्ट पॉपुलर रैपर्स में से आते हैं। जब रफ्तार पुणे आए थे रियलिटी शो हसल ऑडिशन के लिए तो वहाँ वो एमसी स्टैन से मिले थे और रफ्तार ने अपना माइक्रोफोन दिया था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। जब इंटरव्यूज में पूछा गया तो एमसी स्टैन ने कहा कि मेरे पास पहले से ही था इसलिए मैंने नहीं लिया। फैक्ट नंबर 8, एमसी स्टैन एलियंस में बिलीव रखते हैं। एमसी स्टैन एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके हाथ पर एलियन फेस का टैटू बना हुआ है। एमसी स्टैन के परसोना को समझना आसान है उनके ड्रेसिंग स्टाइल और म्यूजिक वीडियोस से। फैक्ट नंबर 9, एमसी स्टैन सबसे बड़ा डायमंड चैन पहनते हैं इंडिया की हिप हॉप इंडस्ट्री में। गाइस, एमसी स्टैन एक ऐसे रैपर हैं जो इतना बड़ा डायमंड चैन पहनते हैं, एमसी स्टैन का हिंदी चैन और तिरंगा रिंग, जो लोग काफी पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 10, एमसी स्टैन हमेशा फैशन वाले ब्रांड्स ही पहनते हैं। एमसी स्टैन अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। वो ब्रांड्स के ही कपड़े पहनते हैं, जैसे लुई वुइटन, जॉर्डन या शैनल। ये थे अननोन फैक्ट्स अबाउट एमसी स्टैन। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।